दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरी मिर्च के कुछ ऐसे चौंकाने वाले फायदों के बारे में जिसको जान के आप दंग रह जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपने अब तक हरी मिर्च क्यों नहीं खाई। दोस्तों, हरी मिर्च के अंदर जादुई चमत्कारी फायदे होते हैं जिसको बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज हम इसी बात को आपको उजागर करेंगे और हरी मिर्च के बारे में जितनी भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको आज देंगे। दोस्तों, हरी मिर्च के अंदर कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, B6, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, ये इन सभी चीज़ों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यही नहीं, इसमें बीटा कैरोटीन जैसे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें भी मौजूद होती हैं। हरी मिर्च में कई तरह के पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, B6, सी, आयरन, कॉपर और कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में होता ही है, साथ में ये कई सारे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों में फायदा देती है। और हम इसके फायदे आज हम आपको और विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर लाते हैं ज़बरदस्त टिप्स जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं आज की वीडियो पर। तो दोस्तों, फायदे इसके बेशुमार हैं। पहला फायदा ये है कि हरी मिर्च कब्ज की शिकायत को दूर करती है। जी हाँ, हरी मिर्च खाना खाने से आपका खाना जल्दी पचता है, साथ ही शरीर के पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। दूसरा फायदा, आयरन में बढ़ाता है। महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आप हरी मिर्च खाने के साथ रोज़ाना खाएंगे तो आपकी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। तीसरा, शुगर में आराम देती है हरी मिर्च। हरी मिर्च जैसा कि पूंछ समेत एक गिलास पानी में रात को भिगो कर रखें, यानी पूंछ समेत, यानी जो उसकी पूंछ है इस समेत आपको रात भर पानी में भिगो कर रखना है एक गिलास में, और सुबह खाली पेट इस हरी मिर्च को निकाल कर पानी पीजिए। इस विधि से आपको मात्र एक हफ्ते के प्रयोग से आपको अपने शुगर में कंट्रोल महसूस होगा और शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर फर्क नहीं लगता तो 4 हफ्ते तक इस पानी को सेवन करें। ये बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, और शुगर में आपको आराम आराम मिलेगा। चौथा, दमे के रोगों के लिए ये मददगार होती है। हरी मिर्च 1 चम्मच रस शहद में मिलाकर खाली पेट खाने से दमे के रोगी को राहत मिलती है। इस प्रयोग को 10 दिनों तक करने से आपको आने वाले समय में कभी भी दमे का कोई अटैक महसूस नहीं होगा। पांचवा फायदा, फेफड़ों के कैंसर से बचाती है। दोस्तों, फेफड़ों का कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और हरी मिर्च का सेवन करने से फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इस बात का ध्यान धूम्रपान करने वालों को ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना वे अपने फेफड़ों का थोड़ा या कुछ भी हिस्सा हवा में उड़ा देते हैं, और इनके लिए ये गंभीर गंभीर इशू है। दोस्तों, छठा फायदा, मर्दों के लिए हरी मिर्च बहुत फायदेमंद होती है। मर्दों के लिए हरी मिर्च खानी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम करने की असाधारण शक्ति है। वैज्ञानिकों शोध के अनुसार ये साबित किया गया है कि हरी मिर्च खाने से प्रोस्टेट की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सातवां, रक्तचाप यानी BP, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को नियंत्रित करने में हरी मिर्च काफ़ी फायदेमंद होती है। मधुमेह यानी शुगर होने की स्थिति में भी हरी मिर्च में रक्तचाप का स्तर नियंत्रित रखने का असाधारण गुण होता है। आठवां, हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि संक्रमण को दूर रखते हैं। इसलिए हरी मिर्च को खाने से आपको संक्रमण के कारण
होने वाले त्वचा रोग परेशान कभी नहीं करेंगे। और नौवा, स्किन के लिए बहुत ही मददगार होती है हरी मिर्च। हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होती है, और अगर आप तीखा खाते हैं तो आपकी त्वचा में निखार आ जाता है। लेकिन इतना तीखा भी नहीं खाना चाहिए कि आपको नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ये थे हरी मिर्च के बेशुमार फायदों में से कुछ फायदे जो आपने हमने आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। दोस्तों, आप इस हरी मिर्च को अपने खान पान में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही असरदार और बहुत ही मामूली और सस्ता विकल्प है आपको हर बीमारी से बचाने का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप आज से ही हरी मिर्च को अपने खाने में आज से ही जोड़ेंगे और अपने खाने में और पौष्टिक और टेस्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।